हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। वो टॉपिक बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुनिए, देखिए क्या है आज के टॉपिक। आज हम आपको बता रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताएंगे माने ओम का नियम क्या है। तो देखो, ओम का नियम ये है, मान लीजिए कोई हमारे पास एक कंडक्टर वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। उस कंडक्टर वायर के सिरों पर हमने कुछ पोटेंशियल दिया। तो अब मान लीजिए यहां पर हमने बी पोटेंशियल दिया, या हम कहें, या हम मान लो यहां पर हमने पोटेंशियोमीटर लगा दिया। इसका वोल्टेज नापने के लिए, इस वायर के रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम वोल्टेज लगा वोल्टमीटर लगा दिया। मान लीजिए ये वोल्टमीटर लगाया। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके रेजिस्टेंस, इससे अक्रॉस जितना भी वोल्टेज पास होगा उसको रीड करेगा। अब देखो, यहां से ये सेल के टर्मिनल है प्लस और माइनस, या बैटरी के प्लस माइनस टर्मिनल है। यहां से क्या होगा, प्लस से करंट निकलेगा, प्लस से करंट आई चली। तो आई करंट की वजह से, जब आई करंट इसके इन दोनों टर्मिनल पे पहुंचेगी इस रेजिस्टेंस के यहां से होती हुई और यहां से ये, तो क्या होगा, ये वोल्टेज शो करने लगेगा। तो ये कितना वोल्टेज शो करेगा, माने जिस रेट से करंट बढ़ेगी उसी रेट से इसका वोल्टेज बढ़ेगा। अगर वोल्ट अगर करंट भाई पहले करंट कम होगी तो यहाँ पर वोल्टेज भी कम होगा, जब करंट बढ़ेगी तो यहाँ वोल्टेज और बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज और बढ़ेगा। इसका मतलब जो वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। माने जिस रेशियो में, जिस हिसाब से करंट बढ़ रही है, जिस रेट से, जिस दर से करंट बढ़ रही है, उसी दर से इसका वोल्टेज बढ़ने लगेगा। तो बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये ओम नियम है, ये ओम्स लॉ। ओम जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो वोल्टेज जो कंडक्टर वायर के एंड दोनों एंड पॉइंट पे जितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो उसमें प्रवाहित करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। अब हम क्या करेंगे, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे आई आर, यानी कि हमारा कांस्टेंट आई तो पहले ही से था, आर कांस्टेंट है। तो आर क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई, यानी कि बी और आई के अनुपात को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, आर कहते हैं। यानी कि बी और आई का जो एक रेशियो निकल के आएगा वो कांस्टेंट होगा। अब इस कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है सब जगह यही होगा, कि आप वायर यहाँ से बदल देंगे तो आर का मान बदल जाएगा, फिर कोई और वायर लेंगे तो उस फिर आर का मान बदल जाएगा। इसका मतलब आर का मान हर वायर के लिए, हर रेजिस्टेंस के लिए चेंज होता जाएगा। ये आर है क्या, बी और आई के अनुपात के बराबर है। बी क्या चीज़ है, बी नपेगी वोल्ट में। भाई बी को आप काय में मेजर करो, वोल्ट में, और इसे एम्पियर में। तो इसका मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया वोल्ट बटे एम्पियर। अब एक ही बार में आप कहना चाहते हैं तो इसका मात्रक होता है ओम। ओम का साइन क्या है, ये वाला। तो आर जो है, आर का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। आर का मात्रक, मात्रक या यूनिट, आर का मात्रक ओम है, ओम होता है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात देखो, यहाँ पे क्या सीखने की चीज़ है, कि 1 किलो ओम किसे कहते हैं, ये भी साथ में पता हो। 1 किलो ओम माने 1000 ओम, 1 मेगा ओम बराबर 10 की घात 6 ओम। तो ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो आर है वो किस किस पर निर्भर करता है, क्या वायर की कंडीशन पर निर्भर करता है, वायर मोटा हो या पतला हो या लंबा इस बात पर निर्भर करता है, या वायर किस चीज़ का बना है इस बात पर निर्भर करता है। तो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए कौन कौन सी चीज़ पर निर्भर करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। इसे प्रतिरोध कहते हैं आर को। आर का जो नाम है वो क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, धारा के मार्ग में हुई रुकावट। यानी कि प्रत्येक चालक तार धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट करता है। जो रुकावट करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट किस अनुसार करता है, जो रोकता है वो किसके अनुपात में रोकता है, बी अपॉन आई। बी अपॉन आई जितना ज़्यादा होगा उतना आर ज्यादा होगा, बी अपॉन आई का मान अगर कम होगा तो आर कम होगा। आप देखिए आर की ओम, अब जो हम लिखेंगे नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने ले लिया प्रतिरोध की निर्भरता, माने किन किन चीजों पर ये निर्भर कर रहा है।
तो सबसे पहले ये निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। अब लंबाई पर कैसे निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करने के दो तरीके हैं, समानुपाती निर्भर करता है या व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती यानी कि चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, माने एल बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा। नंबर दो, चालक तार के अनुप्रस्थ, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो यहां पर हम कहेंगे इनडायरेक्टली। मतलब क्या हुआ? मतलब इनडायरेक्टली का मतलब बना पौने। इसका मतलब हुआ लंबाई जैसे जैसे तार की बढ़ती जाएगी उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटता जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है सुनिए। जैसे मान लीजिए ये बेलनाकार वायर है, बेलनाकार वायर है, वायर बेलनाकार ही होते हैं क्योंकि हम जनरली बेलनाकार ही कंसीडर करेंगे। होने को तो आप कैसा भी बना सकते हो। तो अब ये नीचे से अगर हम इसको देखें, अपनी तरफ साइड करके देखें, तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा गोल। इसका जो एंड है वो गोल दिखाई देगा। तो ये रेजिस्टेंस हो गई आर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब ये ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और एल, एल ये समझ गए होंगे, एल ये जो लेंथ है ये पूरी ए टू बी, ए से बी तक की जो लंबाई है उसके समानुपाती होता है। और जो नीचे का ये जो बचा है, ये जो गोल राउंड में एरिया है, ये ए जिसकी कुछ रेडियस होगी सेंटर से यहाँ तक, तो इसके पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप सभी जानते हैं, पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो यानी कि एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को हम एक साथ अगर मिक्स कर दें तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो आर बराबर आर सम आर बन जाएगा एल अपॉन ए। अब देखो एल, एल ज़्यादा होना चाहिए, ए कम होना चाहिए, माने जैसे जैसे एल ज़्यादा होगा ए कम होगा, आर बढ़ जाएगा। अब इसको हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। लग कांस्टेंट यहाँ आता है रो, इसे हम रो कहते हैं, इसका नाम है आर एच ओ। क्या चीज़ है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना है, माने कॉपर का बना है, एल्युमिनियम का बना है, या फिर ब्रास का है, या फिर मिक्स है, या फिर गोल्ड है, या फिर सिल्वर का, किस चीज़ का बना है, इसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। मेटेलिक गुण पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आर का मान अब भी ओम में ही है, आर का मात्रक क्या होगा? ये पूरा रिजल्ट ओम में आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ रो की बात करूँ तो रो का मात्रक कैसे निकालूंगा? रो का मात्रक आर ए क्रॉस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आर ए बाई एल। अब आर को काय में नापेंगे? आर को तो भैया ओम में नापा जाता है, तो लिख दो ओम। इसे काय में नापोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में नापोगे। इसे काय में नापोगे? सेंटीमीटर में नापोगे। सेंटीमीटर कट गया तो इसका मात्रक बन गया ओम गुणा एक सेंटीमीटर बचा, ओम गुणा सेंटीमीटर बन गया, ओम गुणा सेंटीमीटर बन गया सेंटीमीटर। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ओम ओम इंटू मीटर में भी लिख सकते हो। तो इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर दोनों ही है। तो आपने देखा कि किन किन पर निर्भर करता है। लेकिन अच्छा, इसका मान किस किन पर निर्भर करता है? रो का मान किन किन पर निर्भर करता है? देखो रो का मान देखते हैं किन पर निर्भर करता है। देखो रो का मान अगर हमने निकाला आर ए बाई एल, तो रो का मान निर्भर करता है आर ए बाई एल, माने एरिया पे और एल पे। इसके लिए क्या होता है? एरिया ज़्यादा होना चाहिए, इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए तब रो बढ़ जाएगा। यानी कि रो किस पर? रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और रो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एल। यानी इसकी निर्भरता देखो उससे डिफरेंस है, जबकि आर की निर्भरता किस पर थी? आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एल के। और आर किसके व्युत्क्रमानुपाती है? वन अपॉन ए के। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में डिफरेंस। तो ये तीन देखो, इन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इन इन तीनों के। तो आप इन दोनों का अंतर को समझ के
आर और रो के डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करिए, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर आ जाएगा। थैंक यू।